कट ऑफ जो रहा है जनरल कैटेगरी का वो 115 नंबर रहा है, 115 नंबर। अगर मैं क्वेश्चंस में इसको डिवाइड करूं तो लगभग 86-87 के आसपास पहुंचता है, यानी कि जनरल कैटेगरी में 86-87 क्वेश्चन जो है आसपास पहुंचा हुआ है। आपको टारगेट करना है, अभी मैं बता रहा हूं 85 क्वेश्चन टारगेट लिया। अब आप बोलोगे सर आप 85 तो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, लेकिन मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं, आप 85-90 टारगेट कर लीजिएगा। लेकिन मेरा एक रूल ऑफ थंब रहता है कि एक टारगेट में लेके चलता हूं कि हाँ भाई इसके आसपास, तो कभी कभी 85 से ज्यादा भी कट ऑफ हो सकती है, 85 से कम भी हो सकती है। मैं आप कहता हूं कि जहन में आप रखने के लिए 85 क्वेश्चन का एक टारगेट रख लो, आप जहन में रखने के लिए, कट ऑफ ज्यादा आ जा सकती है। ठीक है, अब 85 को टारगेट करने के लिए कम से कम आपको 95-100 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे। 85 को राइट करने के लिए आप कम से कम 95-100 क्वेश्चन राइट करो, तभी तो कुछ गलत वलत होकर आपके 85+ ऊपर जाएंगे आपको। तो किसी भी हालत में आपके क्वेश्चन 95-100 राइट होने चाहिए। ठीक है, तो बात सिर्फ 85 क्वेश्चन की नहीं है, बात 100 क्वेश्चन की है। आपको लगभग 100 क्वेश्चन आपको टारगेट करने पड़ेंगे। अटेम्प्ट जो मैंने देखा, मोटा मोटा अटेम्प्ट जो मेरे एक आइडिया रहता है, हमेशा मैंने देखा है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की, किसी भी एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें 30-40 क्वेश्चन जो है वो मुश्किल आते हैं। अगर पीसीएस की बात भी करते हैं तो 30-40 क्वेश्चन जो है वो ऐसे होंगे जो थोड़ा रेंज से बाहर होंगे, जो नॉर्मल पढ़ाई पढ़ते हैं हम लोग उसे नॉर्मल रेंज से बाहर जाएगा। मैं कहता हूं कि इन क्वेश्चन को छोड़ दो आप, ये जो 30-40 क्वेश्चन जो है जो कि हार्ड है, जो कि मुश्किल है, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलते हैं, जो स्टैंडर्ड कोचिंग्स में नहीं मिलते हैं, इनको आप टारगेट मत करो। आप अगर आप चाहते हो पीसीएस क्लियर करा करना सुकून से, आराम से, इत्मीनान से, अब प्लीज इनको टारगेट मत करो। अपने आप हो जाएंगे राइट तो सही है, इनके पीछे मत भागो। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है जो सिर्फ मुश्किल मुश्किल सवाल के चक्कर में पड़े रहते हैं। नहीं, इतने मुश्किल नहीं है आपको। आप इनको 40 सवाल छोड़ दोगे तो आपके पास बचते 110-115, बस इससे ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 110-115 अटेम्प्ट कीजिए, 95-100 राइट करने की कोशिश कीजिए, कट कुटा के आपका 85+ रह जाएगा आपका। अगर आप सिर्फ इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चन को फोकस करोगे तो भी आप आराम से पीसेस प्री क्रैक कर सकते हो, तो भी बहुत आराम से पीसेस प्री क्रैक हो जाएगा अगर आप सिर्फ आसान और मीडियम क्वेश्चन गलत ना करो। आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि आप मुश्किल सवाल गलत कर रहे हो, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप आसान और मीडियम टाइप के क्वेश्चन गलत कर रहे हो। कोशिश करो कि जो आप पढ़ रहे हो याद रहे, मौका पढ़ने पर आप उसको डिलीवर कर सको। सिर्फ पढ़ना नहीं है, याद रखना भी जरूरी है। कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, पहले स्टेप है कॉन्सेप्ट, उसके बाद है याद रखना, लर्निंग मेमोरी तैयार कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तो कॉन्सेप्ट फोकस कीजिए, और वो चीज हो चुकी है तो फिर याद रखने फोकस कीजिए। अब इस बात को समझते हैं कि 115 क्वेश्चन मैंने बोला आपको, 115 क्वेश्चन मैंने आपसे बोला है अटेम्प्ट करने के लिए, ये आप अटेम्प्ट करोगे, ये आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, फोकस आपके 95-100 क्वेश्चन के ऊपर होगा जो कि आप करेक्ट करोगे, ठीक है, उसके बाद आप किसी भी तरह से 85+ पे रहोगे जहां पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीसीएस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बोला कि आपको इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चन जो होंगे उस पर फोकस करोगे बस आप, ठीक है, यानी कि जो स्टैंडर्ड किताबें हैं, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो नहीं गलत करोगे। तो अब इसमें दो चीजें आएंगी, या तो आपके कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, अगर आपके कॉन्सेप्ट गड़बड़ है तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, या तो जो मैं बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स हैं उससे पढ़ लो आप, कि स्टैंडर्ड बुक से आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लो आप। ठीक है, बहुत हाई फाई किताबें नहीं पढ़नी, पीसीएस ओरिएंटेड किताबें पढ़नी है। पीसीएस ओरिएंटेड, आप पीसीएस का पेपर दे रहे हो तो पीसीएस वाली किताबें पढ़ो, हाई फाई किताबें मत पढ़ो, पीसीएस प्री नहीं निकलेगा आपका। हाई फाई नहीं पढ़नी, सिंपल पीसीएस वाली किताबें पढ़नी है आपको, कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका अगर अपने आप पढ़ के बना सकते हो तो। और जब आपका ये हो जाए तो कोशिश करो आप कि रिवीजन करो, आप यहां पर ले आता कोशिश करो कि आप रिवीजन करो। लोग रिवीजन ही नहीं करते हैं, लोग रिवीजन नहीं करते हैं,
आपको क्या लगता है कि आप एक बार पढ़ोगे और जिंदगी भर याद रहेगा? नहीं, हमारा दिमाग भूलने के लिए बना हुआ है, वो भूलेगा चाहे आप कुछ कर ले जाओ। अगर आपके पास 2 घंटे भी है पढ़ने के लिए एक दिन के अंदर, तो आप 30 मिनट जो है वो रिवीजन रखो और बाकी नया जो है वो 1.5 घंटे के लिए रखो आप नया। देखिए जितनी मेहनत कर ली है उसको बचा के रखिए। जैसे पैसा होता है ना, आपने कमाया, सेविंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो रिवीजन के माध्यम से आप अपना समय और एनर्जी को सेव कर पाओगे। ठीक है, तो अब यहां पर आपको रिवीजन करना है, तो जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको बार 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 पढ़ने की कोशिश कीजिए, रिवाइज करने की कोशिश कीजिए आप। एक बार आपने जहां 4-5 बार आपने रिवाइज कर लिया, चीजें आप आ जाएंगी। एक चीज और कर लो, आप यहां पर कोई मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जो किताब आप पढ़ते हो लेटे लेटे से पढ़ते हो, तो लेटे लेटे पढ़ने से क्या होता है कि आपके दिमाग में तो मेहनत नहीं की। मान लो घटनाचक्र की किताब है, वो घटनाचक्र किताब आप पढ़ रहे हो, लेटे लेटे पढ़ रहे हो, अब दिमाग ने कुश्ती नहीं की, दिमाग ने मेहनत नहीं की है, आपने पढ़ते गए, आप बस रीड करते चले गए। जब तक आपका दिमाग लड़ेगा नहीं, तब तक वो प्रिपेयर नहीं होगा। अब आपने तैयारी तो की है लेट लेट के पढ़ के, एग्जाम में गए नया सवाल आया, चूंकि आपके दिमाग को तो लड़ने की आदत तो है नहीं, क्वेश्चन से भिड़ने की आदत तो है नहीं, तो वहां पर जाके वो हार जाता है, वहां भूल जाता है, वहां पर वो कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट देते रहोगे तो क्या होगा, मॉक टेस्ट देने से ये हो जाएगा कि आप दिमाग को तैयारी करते, प्रिपरेशन होती रहेगी आपकी, आपका दिमाग हर क्वेश्चन के ऊपर दिमाग लड़ाएगा, कोशिश करेगा सॉल्व करने की कोशिश करेगा, यहां से कॉन्सेप्ट लेगा, वहां कॉन्सेप्ट लेगा, इधर कॉन्सेप्ट लेगा, जो भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, उसको यूज करके उस सवाल को राइट करने की कोशिश करेगा। और इस पूरे प्रोसेस में आपका रिवीजन होगा, चीजें आपको याद आना शुरू हो जाएंगी। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, बिना मॉक टेस्ट दिए मत जाइएगा। कोई अच्छा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, किसी की ज्वाइन कर लीजिएगा। फिलहाल मैं अपनी बता रहा हूं, मैं आपको 150 टेस्ट की मॉक टेस्ट दे रहा हूं, मैं लगातार में दे रहा हूं, वैसे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मैं देता रखा है, 150 टेस्ट में, जिसके अंदर आपको मैं हफ्ते में 4 टेस्ट होते हैं, हफ्ते में 4 टेस्ट होंगे, 3 छोटे टेस्ट होंगे जिसको हम ST बोलते हैं, जो कि 25-25 क्वेश्चन है, घटनाचक वाले क्वेश्चन होंगे, यानी घटनाचक भी याद करा देना है। आपने घटनाचक पढ़ी होगी, मैं आपको घटनाचक याद करा रहा हूं, मैं आपको एक एक क्वेश्चन घटनाचक का टेस्ट के माध्यम से होगा, और फिर एक फुल लेंथ टेस्ट हो जाएगा संडे संडे, जो कि जिसके अंदर फुल लेंथ होगा, जिसके अंदर नए क्वेश्चन हो जाएंगे, नए क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन, क्योंकि जरूरत तो नहीं है ना घटनाचक क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, नए क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं, एडवांस वाले भी आ सकते हैं, वो कहां सीखोगे आप? तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका आराम से बढ़ते हो जाता है, और ज्यादा फीस भी नहीं है, मात्र 1500 रुपए के टेस्ट है। तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है, जाके कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा मुझसे। अब जिनकी कॉन्सेप्ट भी गड़बड़ है, जो कह रहे सर जी समझ नहीं आ रहा, कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो मैंने कहा कि भाई किताब पढ़ लो आप, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लो आप। अब आपको लगता है कि नहीं सर इतना समय नहीं मेरे पास पढ़ने के लिए, इतना पढ़ नहीं पाऊंगा, ठीक है, तो उनके लिए 2 काम मैं करूंगा। पहला काम तो मैं करूंगा कि एक वीडियो में लेकर आऊंगा, जिसके अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सब मैं आपको बता दूंगा कि किन की संभावना है, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग वाला वीडियो बड़ा सफल हुआ है, इसमें मैंने आपको बताया किस तरह से ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो ही आते हैं, वाला वीडियो मैं आपको लाके दे दूंगा, इसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, बता दूंगा आपको वो टॉपिक को याद कर लेना, ठीक है। 300-400 टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पर फोकस करना होता है, 300-400 फोकस करोगे आप, 100 क्वेश्चन आपको राइट करने होते हैं, बस आपको करना क्या है, सिलेक्शन हो जाता है, तो मैं आपको कर दूंगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर एक तरीके से पढ़ाई करनी है हमें, इस बार सिलेक्शन पाना ही है तो पाना है, हमें कोई रिस्क नहीं लेना, तो उनके लिए मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, क्रैश कोर्स है, ठीक है, 150 दिन का क्रैश कोर्स है, 150 दिन का कोर्स है, जिसके अंदर आपको पूरा प्री पढ़ाया जाएगा, पूरा प्री की गारंटी ली जाएगी, इसमें आपको वीडियो प्लस PDF प्लस टेस्ट, जो 150 टेस्ट में बोले सब इसके अंदर आ जाएंगे, वीडियो PDF टेस्ट, हर चीज याद कराई जाएगी आपको, 100% सिलेक्शन होगा, ये मैं गारंटी देता हूं। फीस बहुत कम है, 2999 रुपए, इससे ज्यादा तो आप फालतू किताबें खरीद लेते हो, करंट अफेयर इसी को मिल जाएगा आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना आपको, खुद पढ़ सकते हो खुद पढ़ लो, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर देना, और नहीं है तो क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, अभी 6 महीने हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं 6 महीने में पीसेस प्री निकालोगे आप, ये इसकी गारंटी मेरी गारंटी है। अब बस मेरी बात मान लेना, जो प्रोसेस बनाया है उसको प्लीज फॉलो कर लेना। अब सवाल आता है कि
सर EWS, EWS क्या कहते हैं? दो साल पहले की बात है, जब दो तीन साल पहले की बात है, जब EWS आया था तो उसी समय मुझे बड़ी शंका हुई थी कि यार ये तो बड़ा मसला है, क्योंकि उसके अंदर जो क्राइटेरिया रखा गया था वो 8 लाख का रखा गया है कि जिनके पास 8 लाख तक की संपत्ति होगी उन सबको जो है हम उससे नीचे वालों को जितने भी है हम जो है EWS में डाल देंगे। हमारे देश की हालत यह है कि अगर आप 25,000 रुपए कमाते हो तो आप भारत के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में आ जाओगे। 25,000 का मतलब होता है 3 लाख, 25,000 का मतलब होता है 3 लाख सालाना, ठीक है? तो अगर 3 लाख सालाना कमाते हो तो आप टॉप 10 भारतीयों में आ जाओगे। यानी कि अगर मैं 8 लाख का भी क्राइटेरिया ले लूं तो अगर 5% में हटाने तो आप टॉप 5%, यानी कि 95% जनता जितनी है वो EWS में आ जाती है। कहने का मतलब सिर्फ यही है। अब EWS भरना सही है गलत है ये आपके ऊपर है, लेकिन जो सरकार ने क्राइटेरिया दिया हुआ है, सरकार अभी ना काम कर, सरकार भी झुंझुना पकड़ा देती है, ढंग से स्टडी नहीं करती है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति भी हावी होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेने के लिए, उसमें ये पर्पस से डिफीट हो गया। 95% लोग यार EWS में आते हैं अगर टेक्निकली देखा जाए, 8 लाख तक की वो होना चाहिए और जो क्राइटेरिया रखा गया है, नहीं 90% तो कहीं नहीं गए, तो सभी लोग, इसी कारण है कि EWS की जो है कट ऑफ आपकी बाकी जगह से ज्यादा होती जा रही है, और EWS में से माध्यम से क्रैक करना डिफिकल्ट होता जाएगा, जो कि अभी हमने कट ऑफ में देख लिया। 10% का रिजर्वेशन है तो 95% लोग जो है वो 10% के रिजर्वेशन के लड़ रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन तो होना ही है। अब करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप, अगर आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है तो मत उठाओ, क्योंकि ये आपका हक है। अब आपको उठाना है नहीं उठाना है ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी क्या है बताना आपको, मैंने सब कुछ बता दिया कि इजी से मीडियम क्वेश्चन को बजाइए, भूलिए नहीं, टेस्टों के माध्यम से पढ़ाई कीजिए, अगर नहीं पता तो क्रैश कोर्स मैंने दिया हुआ है उससे पढ़ लीजिए, टीसीएस वाली किताबें पढ़िए आप, और देखा प्रेशन होगा आपका। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद।